हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। आज हम कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का संकरण निकालना सीखेंगे। इससे पहले हम किसी भी यौगिक में संकरण निकालना सीखे थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, जिससे आप किसी भी यौगिक में संकरण आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन के संकरण निकालने का एक फार्मूला है, सिग्मा बंद प्लस लोन पेयर। आप सिग्मा बंद, जैसे अगर परमाणुओं के मध्य दो परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बंद, अगर दो परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, अगर दो परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई। देखिए, कार्बनिक यौगिक में हम सिग्मा और पाई बंद निकालना बताए थे। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, जिससे आप किसी भी कार्बनिक यौगिक में सिग्मा और पाई बंद आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम चलिए देखते हैं लोन पेयर क्या होता है। लोन पेयर जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, H2O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन को अस्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो ये भी हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। इसी प्रकार यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा और यहाँ से ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो इससे दोनों का देखिए पूरा हो गया, लेकिन ऑक्सीजन में अभी 4 इलेक्ट्रॉन छूट रहे हैं। तो जो ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं इन्हीं को लोन पेयर कहते हैं। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं इन्हीं को लोन पेयर कहते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉनों को एक लोन पेयर कहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों को एक लोन पेयर कहते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर 2। चार इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर। चलिए एग्जांपल लेके लगाते हैं। अगर संकरण का वैल्यू मतलब 2 आता है तो sp संकरण, 3 आता है तो sp2 संकरण, 4 आता है तो sp3 संकरण और 5 आता है तो sp3d संकरण। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, इसे थोड़ा विस्तार से लिखते हैं। तो देखिए, हम क्या बताए थे, अगर दो परमाणुओं के मध्य सिंगल बंद है तो 1 सिग्मा, तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड तो 1 सिग्मा, यहाँ भी वही सिंगल बॉन्ड तो 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, इसमें लोन पेयर नहीं है। तो फार्मूले से सिग्मा कितने हैं? 4। लोन पेयर 0, तो कितना आया? 4। और 4 के लिए क्या होता है? sp3 संकरण, मतलब इसका मतलब ये आपका sp3 संकरण का है, ये कार्बन sp3 संकरण का है। चलिए अगला एग्जांपल लगाते हैं। तो इसे विस्तार करके लिखेंगे फिर से। यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ डबल बॉन्ड से कार्बन कार्बन जुड़ा है तो कार्बन, अगर डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 सिग्मा 1 पाई, पाई का कोई मतलब नहीं है, हमें सिग्मा से मतलब है। यहाँ देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से सिग्मा, तो इस कार्बन के लिए देखते हैं कितने सिग्मा बंद है, 1 2 3,
तीन सिग्मा बंध है, और लोन पेयर, लोन पेयर है ये नहीं है, मतलब जीरो शून्य है, तो कितने हुए तीन, और तीन के लिए क्या होगा sp2 संकरण, तो इसका मतलब ये कार्बन आपका sp2 संकरण का है। इस कार्बन के लिए देखते हैं, एक दो तीन, तीन सिग्मा और लोन पेयर जीरो, तो तीन सिग्मा के लिए क्या, मतलब तीन के लिए क्या होगा sp2 संकरण, तो ये भी आपका sp2 संकरण का होगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से, तो एक सिग्मा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से, तो एक सिग्मा दो पाई, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, तो एक सिग्मा, तो इस हाइड्रोजन के मतलब इस कार्बन के लिए कितने संकरण होंगे, तो कितने सिग्मा बंध हैं, दो, लोन पेयर शून्य, तो दो के लिए sp संकरण, मतलब ये कार्बन आपका sp संकरण का। अब इस कार्बन के लिए देखते हैं, यहाँ पर कितने सिग्मा बंध हैं, एक इधर एक इधर, दो, लोन पेयर शून्य, तो कितने दो, टोटल कितने हुए दो, तो दो के लिए sp संकरण, ये भी आपका sp संकरण का होगा। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, ये आपका है साइक्लोहेक्सेन। अब इसे थोड़ा विस्तार से लिखते हैं बढ़िया से, मतलब देखिए यहाँ पर, यहाँ आपका कार्बन होगा, यहाँ सब कार्बन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से हैं, तो यहाँ जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है सब जगह सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा मतलब सिग्मा बंद होगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और यहाँ देखिए कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो यहाँ देखिए अगर एक कार्बन में कितने सिग्मा बंध है, सिर्फ इस वाले कार्बन पे देखा जाए, यहाँ जो कार्बन है हमारा, तो कितने सिग्मा बंध है, एक दो तीन चार, कितने चार सिग्मा बंध है। अब लोन पेयर देखिए, लोन पेयर शून्य है, तो जीरो, तो चार, चार सिग्मा के लिए क्या होता है sp3 संकरण, तो ये आपका होगा, और सभी कार्बन पे चार सिग्मा हैं, तो मतलब सिग्मा बंध बन रहे हैं, तो सभी आपके sp3 संकरण के होंगे। ये भी आपका sp3 संकरण का होगा। मतलब आपके ये जितने छह कार्बन हैं, छह कार्बन आपके sp3 संकरण के होंगे, जैसे सभी कार्बन पे चार सिग्मा बंध बन रहे हैं, और लोन पेयर सभी पे शून्य है। आप एक बार इसे खुद रफ में इस एग्जांपल को सॉल्व करके देखिएगा। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल है बेंजीन।
चलिए यहाँ देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बंद, तो सिग्मा एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा एक पाई, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, यहाँ सिर्फ सिग्मा, यहाँ देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ये सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, यहाँ देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो एक पाई और एक सिग्मा, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड तो एक सिग्मा, यहाँ भी देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड तो एक सिग्मा। तो हम इस कार्बन के लिए चलिए देखते हैं कितना संकरण बनेगा, कौन सा संकरण बनेगा। तो यहाँ एक दो तीन, तीन सिग्मा बंद बन रहे हैं देखिए इस कार्बन के लिए, जो आपका ये कार्बन है कितने संकरण बन रहे हैं, एक दो तीन, तीन संकरण बन रहे हैं। तो तीन संकरण के लिए क्या होगा, तीन और लोन पेयर शून्य है तो तीन के लिए क्या होता है, तीन के लिए sp2 संकरण, तो ये आप sp2 संकरण का होगा। तो यहाँ भी तीन सिग्मा बन रहे हैं और लोन पेयर शून्य, तो ये भी sp2 संकरण का, आपके सभी कार्बन यहाँ sp2 संकरण के बनेंगे। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, आपका फिनॉल है ये, देखिए कार्बन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या छः होती है, तो यहाँ छः इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन चार इलेक्ट्रॉन अभी बचे, दो चार इलेक्ट्रॉनों की किसी से साझेदारी नहीं है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इसमें चार इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं, और चार इलेक्ट्रॉन मतलब दो इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर कहते हैं, तो चार इलेक्ट्रॉन को दो लोन पेयर, देखिए तो से यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड सिग्मा और पाई, यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड सिग्मा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड सिग्मा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड सिग्मा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई। वैसे पाई बंद से में मतलब नहीं है, सिग्मा ही ज़रूरत है क्योंकि संकरण निकालने के लिए, लेकिन बता दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा आपका होगा, यहाँ भी सिग्मा। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ भी सिग्मा। तो पहले कार्बन के लिए निकालते हैं, इस कार्बन के लिए, तो इस कार्बन पे कितने सिग्मा बंद बन रहे हैं, एक दो तीन, तीन सिग्मा बंद बन रहे हैं, और तीन सिग्मा बंद बन रहे हैं और लोन पेयर शून्य है, तो टोटल वैल्यू तीन आई, तो तीन के लिए sp2 संकरण, तो ये आपका sp2 संकरण का होगा, ठीक है। ऐसे इस कार्बन पे भी तीन सिग्मा बंद है, लोन पेयर शून्य है, ऐसे इस पे भी है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, मतलब सब पे सेम है, तो सब sp2 संकरण के होंगे सभी कार्बन आपके। अब चलिए इस ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, ऑक्सीजन पे कितना सिग्मा बंद बन रहा है, दो सिग्मा बंद, और लोन पेयर कितना है, दो है, हम बताए थे दो इलेक्ट्रॉनों
का मतलब एक लोन पेयर, तो चार इलेक्ट्रॉन है तो मतलब दो लोन पेयर, तो दो 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 चार, तो एक ऑक्सीजन की टोटल वैल्यू मतलब संकरण के लिए कितना है चार, और चार के लिए क्या होता है sp3, तो आपका ये ऑक्सीजन कौन सा संकरण बनेगा sp3 संकरण का बनेगा। आप लोग ये सभी एग्जांपल एक बार अपने रफवे करके देखिएगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आज के लिए बस इतना ही, आशा है आपको ये समझ में होगा। अगर आपको ये समझ आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।